कि एक एकड़ जमीन में महल नहीं चाहिए, हमको चाहिए घोसला एक टपरिया, जहाँ हम टपरिया बैठ करके दोनों आदमी अच्छे गाना भी गाएंगे और वही अपनी फसल खाएंगे। हमारे बुंदेलखंड में कहते हैं कि सैया के साथ मड़ैया में ढपैया में बड़ा मजा आए मड़ैया में। ये हमारी कहावत को आप सिद्ध करेंगे तो मेरा है कि मेरा फैसला है कि डीएम सीएम सीएम, तो मैंने डीएम से मिल लिया, सीएम से मिल लिया और आज मंगलवार को मैं कलक साहब के यहाँ गया था, वहाँ अपना प्रोजेक्ट का पूरा हो दिया और वहाँ एक झरना है, झरना है, मैं चाहता हूँ एक कलक साहब के यहाँ एक फिल्म बनाई जाए। दूसरा झरना आपके द्वार पर है, मैं यहाँ खड़ा हूँ, एक बढ़िया पानी का बहता हुआ, मैं इसलिए प्रतिक्रिया करके और उसकी रिपोर्ट मुझे जबलपुर और भेजना है और एक सीएम को भेजना है। है कि हड़ताल नहीं खुशहाल, लोग तो हड़ताल मचाते हैं, हमें नहीं करना है हड़ताल, हमें तो खुशहाल चाहिए, खुशहाल चाहिए, खुशहाल चाहिए। ये सीएम साहब का दरवाज़ा है, मेन दरवाज़ा है और सीएम साहब का पहला दरवाज़ा है, दूसरे दरवाजे में तो बहुत भीड़ लगी थी, वहाँ भी गया था और मैं माननीय कमलनाथ जी जो हमारे पड़ोसी है सीएम, इससे भी मैं कहता हूँ कि आप विपक्ष में बैठे पक्ष में श्री शिवराज सिंह चौहान हैं, तो दोनों से हम आग्रह है कि दोनों की गली की जोड़ी बने। और हमारे जिलाध्यक्ष जीवालाल कुशवाहा जी हैं जो कांग्रेस में हैं और हम भाजपा में हैं, हमारा निवेदन है कि हम जो मॉडल बनाएंगे चंबल नदी के किनारे, तो पहले डेस्क में मुरैना आएगा जो मध्य शासन भाजपा का है और उस तरफ आएगा धौलपुर जो राजस्थान में, जो राजस्थान में सरकार कमलनाथ जी की पार्टी की बैठी है और वहाँ के सीएम से जयपुर मिल करके उनको एक रिपोर्ट देंगे, माननीय सोनिया गांधी को भी रिपोर्ट हम पेश करेंगे और अपने भाजपा के द्वारा हम सीएम साहब को एक रिपोर्ट पेश करेंगे। अगर दोनों चाहते हैं तो एक मॉडल बढ़िया बनवा जाए, तो हमें विश्वास है कि सबसे पहले कौन मॉडल बनाएगा, जो कन्याकुमारी से 10 मीटर दूर जाते हैं वहाँ आदमी देख रहा है भीड़, फिर अगले साल मंगल देखेगी, तो हमारा है कि हड़ताल नहीं खुशहाल, लोग तो हड़ताल मचाते हैं, हमें नहीं करना है हड़ताल, हमें तो खुशहाल चाहिए, खुशहाल चाहिए, खुशहाल चाहिए। आखिर बड़ा शुभ मुहूर्त है, मंगलवार है और फागुन का महीना है, फागुन का महीना होता है यानी फल, सब जो फल आ जाता है, तो मेरा पूजा से जो फल आएगा वो फल आने का पूरे सुख परिचित हो गए हैं। 6 तारीख को 5 तारीख को मैं वन भवन में अपना पूजन लाया था और उस दिन पकड़ रखे और सीएम साहब की पहली मीटिंग थी लाल चौधरी मैदान या कहीं भी विकास यात्रा, और दूसरे दिन 6 तारीख को सीएम साहब की विकास यात्रा शुरू हुई, तो मैंने अपना पूरा प्रोजेक्ट दिखाया। प्रोजेक्ट का विषय था कि जो जमीन 90 साल से पड़ी है उसको उस पर एक आदर्श नगर बसाना चाहिए, और मैंने कहा था कि सीएम साहब जी, मैंने जब प्रोजेक्ट दिखाया पूरा तो इस पर आप दीप उज्ज्वल कीजिए और मेरा घोसला है जो मेरे बारंगाल किनारे हैं, और आपको ऐसे कई घोसला बनवाना है, जो लाखों घोसला बनेंगे कहाँ पर, चंबल नदी के किनारे, आपका डिस्ट्रिक्ट मुरैना जो बॉर्डर पे है वहाँ आप ऐसे बिहार जमीन को आबाद कराइए और अगले सीएम जब आप बन जाएंगे तो इस पर आप अभी दीपक जलाइए, इसके बाद में इस नगर का आप अवलोकन करें, जहाँ लाखों एकड़ जमीन बिहार पड़ी है वहाँ लाखों किसानों का एक घोसला बनेगा, उस घोसला में 5 सदस्य होंगे, माता पिता उसका गुरु उसके भाई बहन, और आज का नौकरी मिलना तो बहुत मुश्किल, आप लोग दे नहीं सकते हो लेकिन उनको रोजगार दे सकते हो। 5 सदस्य 1 एकड़ जमीन में 20 क्विंटल होती है धान और 20 क्विंटल होता है गेहूँ, 40 क्विंटल में वो 5-10 आदमी अपना परिवार का पालन पोषण करेगी। फिर उसके बाद में मैं अपने गाँव गया तो मैंने अपने तो आ चलेगा सागर 7 तारीख को मैं अपने गाँव जिला सीतामढ़ी में गया तो मैंने वहाँ देखा किसानों का देखा और उनके जो घोंसला बने हैं छोटे छोटे अपने खेतों पर उनका एक घोंसला बना है, जो बेचारे वही खाना बनाते हैं वही रहते हैं और रात भर पर ढोल भगाते हैं और अपनी फसल पैदा करते हैं, तो मेरा कहना है कि 1 एकड़ जमीन में महल नहीं चाहिए, हमको चाहिए घोंसला एक टपरिया, जहाँ हम टपरिया बैठ करके दोनों आदमी अच्छे गाना भी गाएंगे और वही अपनी फसल खाएंगे। हमारे बुंदेलखंड में कहते हैं कि सैया के साथ मड़ैया में ढपैया में बड़ा मजा आए मड़ैया में। ये हमारी कहावत को आप सिद्ध करेंगे तो मेरा है कि मेरा फैसला है कि डीएम सीएम सीएम, तो मैंने डीएम से मिल लिया, सीएम से मिल लिया और आज मंगलवार को मैं कलक साहब के यहाँ गया था, वहाँ अपना प्रोजेक्ट का पूरा हो दिया और वहाँ एक झरना है, मैं चाहता हूँ एक कलक साहब के यहाँ एक फिल्म बनाई जाए। दूसरा झरना आपके द्वार पर है, मैं यहाँ खड़ा हूँ,
एक बढ़िया पानी का बहता हुआ, मैं इसमें प्रसिद्ध करके और इसकी रिपोर्ट मुझे जबलपुर भेजना है और एक सीएम को भेजना है और हमारी सभी से समस्त जिलाधिकारियों से सभी से विनम्र निवेदन है कि इस प्रोजेक्ट में सहायता करने की जरूरत है। धन्यवाद।